नमस्कार मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन नीलकंठ आई वी सेंटर कोटा से आज हम बात करेंगे कि कपल्स को अपना हेल्थ चेकअप यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चेकअप कब कराना चाहिए हमारे पास कई कपल्स आते हैं जो चार से पाँच वर्ष तक गर्भधारण के लिए प्रयास करते हैं किंतु गर्भधारण में सफलता नहीं मिलती है ऐसे में उन कपल्स को कुछ टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं जिनसे फर्टिलिटी से जुड़ी समस्या को हम जान सकें और फिर एक्सपर्ट एडवाइस देकर उनकी जो भी समस्या है उसका निवारण करके सक्सेसफुल प्रेगनेंसी दे सकें जब भी कोई कपल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स यानी बिना किसी गर्भ निरोधक के एक साल तक प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करता है किंतु गर्भधारण में सफलता नहीं मिलती है तो इसे हम इनफर्टिलिटी की श्रेणी में मानते हैं ऐसे कपल्स को इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए और उनके द्वारा एडवाइस किए हुए कुछ टेस्ट करवाने चाहिए हैं जिससे हमें फर्टिलिटी से जुड़ी समस्या के बारे में पता चल सके और उनको सही इलाज मिल सके जिससे वह आगे संतान प्राप्ति कर सकें महिलाओं के शरीर में अंडा गर्भाशय और फैलोपिन ट्यूब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रेगनेंसी के लिए अंडाशय के लिए हम कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं जिनमें हार्मोनल टेस्ट प्रमुख हैं इसके अलावा सोनोग्राफी की मदद से भी हम ओवेरन रिजर्व का पता लगा सकते हैं गर्भाशय एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जहाँ पर भ्रूण इम्प्लांट होने के बाद में वहीं जन्म तक विकसित होता है तो गर्भाशय में भी यदि कोई विकार है तो ये संतान को लगने से रोक सकता है यानी कि गर्भधारण में समस्या उत्पन्न कर सकता है गर्भाशय से जुड़े विकार हम सोनोग्राफी के माध्यम से या फिर हिस्ट्रोस्कोपी यानी एक दूरबीन की पद्धति के माध्यम से पता लगा सकते हैं व इन विकारों को निजात दिला सकते हैं इसके अलावा फेलोपिन ट्यूब यानी कि गर्भनलिकाएँ जो होती हैं भ्रूण यहीं विकसित यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि अंडाशय से निकला हुआ जो अंडा है वो और पुरुष के वीर से निकले हुए शुक्राणु फेलोपिन ट्यूब में ही फर्टिलाइज होते हैं और यहीं भ्रूण का उत्पन्न होता है और यही भ्रूण फिर गर्भाशय में जाकर चिपकता है और गर्भ तक वहीं विकसित होता है तो फैलोपिन ट्यूब का सही तरीके से काम करना भी एक गर्भधारण सफलतम गर्भधारण के लिए इम्पॉर्टेंट है तो फैलोपिन ट्यूब के लिए भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिनमें एच यानी हिस्ट्रोसैल्पिकोग्राफी प्रमुख है जो महिला के पीरियड्स के पाँचवें से सातवें दिन के बीच में किया जाता है इस टेस्ट में एक डाय नीचे से पुश किया जाता है वह सीरियल एक्सरेज़ के माध्यम से ये पता है, लगा जाया लगाया जा सकता है कि यूट्रस और दोनों फैलोपिन ट्यूब्स में कोई विकार तो नहीं है कोई एक तरफ की ट्यूब या दोनों तरफ की ट्यूब बंद तो नहीं है इसके अलावा लैप्रोस्कोपी की मदद से भी दोनों ट्यूब्स को देखा जा सकता है और डाय पुश करके दोनों ट्यूब्स की पेटेंसी चेक की जा सकती है पुरुषों में भी कुछ ब्लड टेस्ट और हार्मोनल टेस्ट कराए जा सकते हैं सीमन एनालिसिस के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि पुरुष के वीर्य में जो शुक्राणु हैं उनकी संख्या मोटिलिटी गुणवत्ता कैसी है शारीरिक संरचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि शुक्राणु शारीरिक रूप से कमज़ोर होंगे तो भ्रूण का निर्माण नहीं कर पाएंगे और प्रेगनेंसी भी नहीं ठहरेगी तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी इनफर्टिलिटी से जू जूझते कपल्स हैं उन्हें इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए अपने टेस्ट करानी चाहिए ताकि हमें फर्टिलिटी से जुड़ी समस्या के बारे में पता चल सके और हम सही तरीके से इलाज करके उनको संतान का सुख दे सकें यदि कपल्स में महिला की उम्र पैंतीस साल से कम है तो एक साल तक ट्राई करने के बाद हम उसे इनफर्टिलिटी की श्रेणी में डालते हैं और एक एक साल तक यदि बच्चा नहीं होता है या गर्भ नहीं ठहरता है तो हमें फर्टिलिटी के एक्सपर्ट के पास जा कर के अपनी जाँचें करानी चाहिए यदि कपल में महिला की उम्र पैंतीस वर्ष से अधिक है तो ये एक साल का जो ड्यूरेशन है उसकी जगह हम छः महीने की ड्यूरेशन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि महिला की बढ़ती उम्र के साथ में उनकी जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता है वो कम होती जाती है क्योंकि अंडों की गुणवत्ता में कमी आ सकती है तो यदि कपल्स में महिला की उम्र पैंतीस वर्ष से अधिक है और छः वर्ष छः महीने तक वो गर्भधारण नहीं कर पाते हैं अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी तो इन्हें इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से परामर्श ले लेना चाहिए इनफर्टिलिटी से जुड़ी कोई भी समस्या या कोई भी सवाल आपको पूछना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं या आप हमारे सेंटर पे आके हमसे परामर्श ले सकते हैं